नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में। चुनाव के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही कर्नाटक के चुनाव की डेट सामने निकल कर आ गई, मध्य प्रदेश में कई सियासी उठापटक और बातें, चर्चाएं गाहे बगाहे शुरू हो गई है। चाहे एक चाय की दुकान हो या मुख्यमंत्री कार्यालय हो या कमलनाथ AICC के कोई दफ्तर हो, वहां हर कोई अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगा है। मीटिंग्स, बैठक, रैलियां और स्ट्रैटेजीज का दौर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है, क्या माहौल है, ये मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ पत्रकार हमें बताएंगे। हमारे साथ राकेश कुमार साहब हैं, इनका खुद का डिजिटल स्पेस भी है और कई चैनल्स में आपने मध्य प्रदेश में इनको एनालिसिस करते देखा होगा। कंसल्टिंग एडिटर TV27 न्यूज दीप्ति चौरसिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है इस विशेष पेशकश में। दीप्ति, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। यहाँ पर तीन धड़ हैं, मसलन शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, और हर धड़ के अलग अलग मंत्री, हर धड़ के अलग अलग विधायक हैं जो स्पेशल प्रिविलेज इंजॉय करते हैं। शायद इसलिए जेपी नड्डा को सामने आना पड़ा और बोला कि टीम वर्क पर फोकस करिए, आने वाले चुनाव में ये तमाम चीजों को देखते हैं। और खासतौर पर नगर निगम में जो सेटबैक देखने को मिला है और जितने धड़े हैं, बीजेपी के लिए क्या माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी की प्रो इनकम्बेंसी? देखिए, ये कह सकते हैं कि अगर 1.5 साल या 15 महीने को छोड़ दें तो बीजेपी की सरकारें लगातार 2003 से 15 महीने को छोड़ा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी तो होगी, क्योंकि सरकार का एक लंबा समय रहा है और इतने लंबे समय में एंटी इनकम्बेंसी तो लगभग एक नेचुरल सी बात है। तो एंटी इनकम्बेंसी है प्रदेश में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि बहुत इंस्टेंट मुद्दों पर चुनाव होता है, तो चुनाव के 2 महीने पहले, वोटिंग के 15 दिन पहले किस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, उससे वोटिंग बहुत इफेक्ट करती है। लेकिन हाल फिलहाल मुझे लगता है कि बीजेपी की तैयारियां तो बहुत अच्छी है। बूथ स्तर पर वो काम कर रही है, आधे आधे पन्ने के लिए प्रभारी बनाया जा रहा है, 19 लाख पन्ने तैयार किए गए हैं, बूथों को मजबूत किया जा रहा है, संगठन स्तर पर तो काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 2018 में भी बीजेपी में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली थी वो ये देखने को मिली थी कि बीजेपी का जो झगड़ा था वो बीजेपी के ही लोगों से था। बीजेपी मात्र 7 या 8 सीटों से जो है अपने बहुमत को उसने खोया था, और वो 7-8 सीटें अगर हम काउंट कर ले तो वो ऐसी सीटें थी, अगर यहाँ वहां पर बागियों को बीजेपी बिठा देती, बागी अगर मान जाते तो शायद वो सारी सीट बीजेपी के खाते में आती, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से वो सीट बीजेपी हारी थी। और लगभग कह सकते हैं कि जो 18 की सिचुएशन थी वो अब कहीं ना कहीं 23 में भी है, और 23 में होने की बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो है वो टूटकर बीजेपी में आ गया है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ जितने समर्थक आए हैं उनके बीजेपी में आने से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। वो मूल कार्यकर्ता सोच रहा है कि लगातार हम आ रहे हैं और सरकार बन रही है, लेकिन अब इन लोगों के आने से जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का कुनबा बहुत बढ़ गया है। अब जो कुनबा बहुत बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं वो जो विरोध के स्वर है, आपसी खींचतान के स्वर है, वो सब भी देखने को मिल रहा है। नहीं, तो फेस कौन होगा, मोदी के फेस पर आगे चलेंगे कि शिवराज सिंह चौहान के फेस पर आगे चलेंगे जिन्हें बार बार दिल्ली तलब कर लिया जाता है और जेपी नड्डा को MP आना पड़ता है? देखिए, फेस जो होगा वो हाल फिलहाल की स्थिति में तो शिवराज सिंह चौहान का ही है, और फेस ये लगातार जिस तरीके से आप कह रही ना कि बार बार दिल्ली तलब किया जाता है, लेकिन तमाम सारी अटकलों के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा आज भी है। चौथी बार भी जब मुख्यमंत्री बनने की बात हुई तो ये कहा गया कि मीटिंग थोड़ी सी टाल दी जाए, लेकिन उसके बाद 4 टाइमर भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। और हाल फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है वो मध्य प्रदेश में, चूंकि चौथी बार के CM है, पॉपुलर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वो बड़ा ही पॉपुलर फेस है, और जो योजनाएं भी उनकी होती है वो बड़ी जनता से जुड़ी होती है। अब की बार जो है मुझे लग रहा है कि दोनों ही दल आधी आबादी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार लाडली बहना योजना लेकर आ रही है। जब सरकार लाडली बहना योजना में 1000 रुपए देने की बात करती है तो कांग्रेस बोलती है हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 देंगे। तो आधी आबादी को भी ट्रैक करने के लिए सारी कोशिशें हो रही है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, 1000 रुपए देंगे। और इसके बाद पहले से ही योजनाएं ऐसी थी कि चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, वो आधी आबादी को ही ध्यान रखकर बनाई गई थी। तो कोशिशें हैं, लगातार है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और चुनौतियां बहुत ज्यादा है बीजेपी के सामने, और अकेले बीजेपी नहीं बल्कि मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस के सामने भी चुनौती है। और अगर कहें तो कांग्रेस की भी जो चुनौती है वो कांग्रेस की ही है, क्योंकि कांग्रेस में भी कांग्रेस की क्या चुनौती है राकेश जी बेटर एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बात करें, पांव पांव वाले भैया, उसके बाद मामा जी, लेकिन आप सब CM बन गए हैं,
वो इसलिए बन गए क्योंकि उन्हें वक्त की नजाकत वो समझ लिया है, उन्होंने भांप लिया है कि ये चुनाव उनके लिए खास तौर पर राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, संगठन के लिए भी लेकिन पर्सनली शिवराज सिंह चौहान के लिए भी। इसीलिए शायद सीएम और पीछे बैठी सुपर सीएम भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव दिख रही है। राकेश जी, कांग्रेस की अगर बात करें, 15 साल से सत्ता में नहीं थी, 15 महीने टिकी, ऑपरेशन लोटस चल गया, कमलनाथ एक मुख्य चेहरा है, कांग्रेस कह रही है एंटी इनकम्बेंसी है, चीजें उनके पक्ष में है, कितना सक्रिय आपको यहाँ पर कांग्रेस देख रही है, और क्या जो केंद्र में हो रहा है और राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये चुनाव है, प्रियंका गांधी घायल शेरनी की तरह आगे आई हैं, उनमें एक उबाल है, तो कांग्रेस कितना में कितना एका देखने को मिलेगा, क्योंकि पचौरी से लेकर दिग्विजय सिंह कई ऐसे धड़ हैं, कांग्रेस में एका और एका में शक्ति कितनी देखने को मिलेगी शिवराज को काउंटर करने के लिए। देखिए, अगर सिर्फ कांग्रेस की बात ना करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लेकर चलें, तो दोनों की समस्या अंदरूनी खींचतान की है। बीजेपी की चर्चा हो चुकी है, कांग्रेस में भी हालात वही हैं कि अंदर का जो मसला है वो सुलझाने वाला कोई नहीं है। अभी बीजेपी एक का अपना एक संगठन है, शुरुआती दौर में कांग्रेस का भी संगठन हुआ करता था, जो अब कहीं दिखता नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में किसी भी विवाद को सुलझाने वाला उनके यहाँ कोई बड़ा नेता दिखता नहीं है। कमलनाथ बड़े चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को उनसे बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं। पिछले चुनाव में भी जो चुनाव प्रचार आपने देखा होगा, लोगों ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की, सबने अपने अपनी कुर्सियां बचाई, अपना किला बचाया, लेकिन कांग्रेस की नहीं सोची, इसलिए सीटों का मार्जिन बहुत थोड़ा सा था, जो बाद में उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था सरकार चलाने में। इस वक्त भी राहुल ने कोशिश की है, राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे रिवाइवल थोड़ा कांग्रेस में हुआ है, लेकिन उस रिवाइवल को कांग्रेस कितना संभाल पाएगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसका कितना इस्तेमाल कर पाएगी चुनाव में वोट में कन्वर्ट करने के लिए, ये कहना अभी मुश्किल है। बीजेपी में अगर आप कह रहे हैं शिवराज ही एकमात्र चेहरा है सीएम के कैंडिडेट, लेकिन चुनाव लड़ने तक ये कहा नहीं जा सकता कि चुनाव जीत जाने के बाद शिवराज जी को नहीं बदला जाएगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। बीजेपी में ये बहुत ही मतलब उसको बोलते ना कत्ल करना, तो वो किसी को भी नहीं। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सारे चेहरे बदल दिए गए थे, नए, एक भी पुराना नहीं बचा था कैंडिडेट। उसी तरीके से ये बदलाव में भरोसा रखते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपको देखना होगा कि 60% लोग दोबारा नहीं आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, उनको सीट मिलने वाली नहीं है, टिकट नहीं। तो बीजेपी की अपनी वो फैसला ले सकती है, कांग्रेस में फैसला लेने की स्थिति नहीं है, और यही सबसे बड़ा संकट है कि फैसला कौन लेगा। बिना सख्त फैसले के कांग्रेस को जीतना मुश्किल है। अब यही तो देखना है कि जो राहुल गांधी ने एक रास्ता तैयार किया है, उस रास्ते पे चलकर कांग्रेस कहां तक पहुंच पाती है। अभी तो उनकी संसद की सदस्यता गई है, अभी फ्लैट खाली करना है उनको, कोठी खाली करनी है, उसको लेकर भी क्या भुना पाएंगे। अगर मौका है तो भुना सकते हैं, और अगर काबिलियत नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यही देखना बाकी है कि क्या लीडरशिप वो चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं। कांग्रेस को अगर भरोसा है तो अभी सिर्फ राहुल पर, और कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा। प्रियंका है, लेकिन उनकी जो सफलता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पिछले 2 चुनाव में वो देख चुके हैं लोग, लेकिन कहना मुश्किल है कि कितना प्रभाव डालेगा। चलिए, जाते जाते सिर्फ 30 सेकंड का जवाब दोनों से चाहिए कि अगर दीप्ति माहौल क्या है मध्य प्रदेश में, तो उसमें क्या कोई विपक्ष माफ कीजिएगा कोई तीसरा मोर्चा दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एंट्री कर ली, सीटें नहीं हैं लेकिन वोट काट सकते हैं, पोलराइजेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये? देखिए, ये जो भी कर सकते हैं AIMIM और अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, इन दोनों ही दल में ये दोनों दल करेंगे तो वोट काटेंगे, क्योंकि जो सरकार की नाराजगी का वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीधा ना जाके आम आदमी पार्टी और AIMIM ओवैसी भी जी बिल्कुल ओवैसी भी, तो ओवैसी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये दोनों छोटे दल है, इनकी एंट्री है, किंग मेकर तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि खेल बिगाड़ेंगे, तो उस तरह से कुछ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये भी नहीं कि सभी सीटों पर होगी, कुछ ही सीटों पर ये खेल बिगाड़ सकते हैं। राकेश जी, निर्दलीय BSP ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन और इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कोई रोल दिख रहा है आपको?
नहीं है, जो आप AIIMIM की बात कर रही हैं उनका बिहार में हमने इलेक्शन देखा है तो वो बीजेपी की मदद ही करते हैं। जहां पर मुस्लिम वोट पोलराइज होता है तो एक तरफ हिंदू वोट पोलराइज हो जाता है, तो वो तो एक छोटे से इलाके में करते हैं जो पश्चिमांचल का इलाका है, जिधर अररिया और पूर्णिया के इलाके में, लेकिन हिंदू वोट पूरे बिहार में एकजुट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल है, ओबीसी वोट उनका भी एक मुख्य मतलब टारगेट है, और ओबीसी वोट मध्य प्रदेश में भी है, तो वो उसमें कितना सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि अभी तक वहां पर उनकी पहुंच नहीं है, उनकी पहचान उतनी नहीं है जितनी दिल्ली और पंजाब और हिमाचल में है। तो ये कहना मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा डेंट लगा पाएंगे, लेकिन जो आपने उनकी बात की AIIMIM की, तो वो उसमें साफ तौर पर है कि वो अगर मुस्लिम वोटों को एकजुट करेंगे तो हिंदू वोट एकजुट होगा, वो एक तरीके से बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को आपको देखना है कि कांग्रेस जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से सेंटिमेंट उभरे हैं या जो रिवाइवल हुआ है उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश का माहौल वही पॉलिटिकल पार्टी समझेगी जो हिंदुस्तान के दिल में बैठी जो जनता है उसके दिल पर राज करे, करने की कोशिश करे, या जो जख्म है उसको भरने की ताकत रखे। नमस्कार।